तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोरों में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी के बात करें तो स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर से बीजेपी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सुभाष सुधा 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के टिकट पर थानेश्वर से चुनाव लड़ चुके जीत चुके हैं। और वही सुभाष सुधा का कहना है कि 5,000 करोड़ के विकास कार्य का थानेश्वर विधानसभा क्षेत्र में करे हैं। अपने विकास के कार्यों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि थानेसर की जनता उन्हें तीसरी बार यहां से जितवाएगी। वही सुभाष सुधा का दावा है कि तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। थानेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं सुभाष जी, किस तरह से आप देखते हैं, मतलब कि तीसरी बार आप पे पार्टी ने विश्वास जताया है। नरेंद्र मोदी भी 2 दिन यहां पहुंचे थे, तो अभी भी आपका इंतजार जिस तरह से 2-व्हीलर पे युवा साथी कर रहे हैं और सुबह से आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, किस तरह से समर्थन मिला? देखिए, आज मैं कहूँगा क्षेत्र की जनता किस प्रकार से मुझे प्यार और समर्थन दे रही है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के इनका प्रणाम करता हूँ। ये जनता बहुत बड़ी बात होती है, जनता का फैसला बड़ा होता है। हमने यहाँ पर क्षेत्रों में 5,000 करोड़ के काम किए हैं। हमारे से 10 वर्ष यहाँ पर पूर्व मंत्री आपके सामने इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपने घर के 500 मीटर तक स्कूल नहीं बना सका था। हमने वो स्कूल बनाए, बच्चे जोड़ में पढ़ते थे, हमने वो स्कूल बनाए गांव के अंदर। हमने एजुकेशन हब बनाने की व्यवस्था करी। हमने 1400 बेटियाँ, मेरी बेटियाँ महिला कॉलेज में पढ़ती हैं, नर्सिंग कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। आप एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, हमने हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया। इसके साथ साथ हमने नाम क्या अभी CSC बांदा बनाई, छोटी सी डिस्पेंसरी, वो एक बड़ा रूप लेगी। तो बहुत कार्य हमने किए हैं। मैं कहना चाहूँगा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रेलवे रोड, पिपली रोड, सड़गेट, अब हम ज्योतिषो रोड बना रहे हैं, तो बहुत चीज़ें। एलिवेटेड ट्रैक 371 करोड़ रुपये का, 500 फाटक खत्म करने के लिए सबसे बड़ा काम एलिवेटेड ट्रैक्स बनाने की व्यवस्था करी। ज्योतिषर का चलता पानी, ब्रह्मसर का चलता पानी और महाभारत का थीम आप जाके देखिए, ज्योतिषर का 250 करोड़ रुपये की लागत से बना। बहुत काम किया है और काम के नाम पर आज वोट मांग रहे हैं, जनता हमें वोट दे रही है। सुभाष जी, किस तरह से देखते हैं, 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे और किस तरह से मतलब कि लोगों का समर्थन? नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में पहुँचे थे, उन्होंने जिस प्रकार से जनता को एक बार संबोधित किया, उन्होंने कहा 70 वर्ष जो लोग हैं उनका 5 लाख का मेडिकल फ्री देने की व्यवस्था करी आयुष्मान योजना के तहत। उन्होंने संबोधित किया कि मैंने पूरे देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री देखा है जो जनता से मिलता है, इतना पॉपुलर हो गया 3 महीने में, ऐसा कोई एक बड़ा मुख्यमंत्री नहीं है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। आज मैं कहूँगा जनता बहुत हमें प्यार दे रही है, जनता का हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जनता हमें वोट दे रही है। तीसरी बार नैब सिंह सैनी यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार जनता का कुछ मूड और है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार कांग्रेस खुद भी आपस में टूटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी एक ही उससे एक छत के नीचे पूरा इलेक्शन लड़ रही है और आपके सामने मजबूती है। देखिए अभी चल रहा, रात को मेरे साथ 2,000 लड़के लोग प्रोम कर रहे हैं, तो जनता का प्यार पब्लिक बाहर से नहीं आ रही, यही कि जनता, मुझे नहीं पता था इतने लोग इकट्ठे होंगे। मैं तो जस्ट एक चाय पीने आता हूँ, लोग इतने तादाद में यहाँ पहुँच जाते हैं, बहुत बड़ी बात है।